नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10, 11 और 12 मई की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, के साथ बात करते हैं अश्विनी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। 10 मई की बात करें तो दोस्तों, इन दिन सोमवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी और अश्विनी नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन आयुष्मान नाम के बाद सौभाग्य नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल का समय सुबह के 7:29 से लेकर सुबह के 9:07 रहेगा। ध्यान रहे, राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा और इस दिन अमावस्या तिथि और भरणी नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन दिन शोभन नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं जो कि लाभप्रद होंगे और राहुकाल का समय जो है 3:39 से लेकर 5:17 रहेगा। चंद्रमा मेष राशि पर इस दिन भी संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें तो दोस्तों, इस दिन बुधवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगा, कृतिका नाम का नक्षत्र भी दिन होगी और तिगंड नाम का शुभ योग दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, राहु काल का समय दिन दोपहर के 12:23 से लेकर दोपहर के 2:01 रहेगा। चंद्रमा मेष के उपरांत वृषभ में संचार कर जाएंगे। तो आए दोस्तों बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का या मेष वृषभ में गोचर आपकी राशि के लिए कितना भाग्यशाली होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ सकता है, विद्यार्थी वर्ग के लोगों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय है इन दिनों में आप नए वस्त्र एवं आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। यात्रा करना आपके लिए यश में सार्थक साबित होगा। दोस्तों, यश में आप ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, यश में नेगेटिव की अगर बात करें तो दोस्तों, जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा और हर कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। पिता की सेहत में गिरावट देखने को यश में मिल सकती है, कार्य क्षेत्र बदल सकता है। दोस्तों, फिर या फिर यश में आपको कोई ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर कोई भी पोस्ट में हैं तो दोस्तों, आपकी पोस्ट की जो है यश में ट्रांसफ़र हो सकती है। भाई बहनों से यश में विवाद हो सकता है, उनका योग बन रहा है। दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए उम्मीदों से भरा हो सकता है। आपको निजी और व्यावसायिक दोनों मोर्चों पर कुछ जो है अच्छी सूचना मिल सकती है। कई नई शुरुआत करने के लिए आपके लिए जो ये परिस्थितियाँ हैं बिल्कुल अनुकूल रहेंगी। दोस्तों, ये समय आपको हर विषय में थोड़ी गंभीरता बरतना आवश्यक होगा। हर एक काम में, कोई भी काम अगर नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों, उन कामों को लेकर आप सतर्क रहें, तभी जो है आपका काम सफल हो पाएगा, वरना फिर आप कोई अड़चन में फंस सकते हैं। वही दोस्तों, यश में किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा, इससे दोस्तों आपको भारी नुकसान भी हो सकता है जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप यश में ऐसे लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे जो आपके रिश्ते के लिए काफ़ी आवश्यक होगा। वही दोस्तों, यश में आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, बिजनेस या फिर एक्स्ट्रा इनकम के प्रयास कर सकते हैं। यश में आपको उम्मीदों के अनुरूप परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, यश में इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र पर तरक्की हासिल होगी। सरकारी नौकरी वालों को गोचर के दौरान जो है लाभ मिल सकता है। आत्मसम्मान में यश में वृद्धि होगी और प्रशंसा के जो है हकदार आप यश में होंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपकी अगर लव लाइफ की बात करें तो यदि आप प्रेमी के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या फिर बंधे हैं तो दोस्तों, ये समय जो है आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। वही दोस्तों, वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपको शादीशुदा जीवन के लिए भी यश में बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ शादी से जुड़ना चाहते हैं, शादी में किसी के साथ रहना चाहते हैं तो दोस्तों, ये जो समय है बहुत अच्छा समय है, उनमें आप शादी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यश में रिश्तों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है, किसी बात से विवाद होने की आशंका है।
दोस्तों यशो में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यशो में आपको जल्दबाजी के कारण कहीं चोट लग सकती है। वहीं दोस्तों यशो में आपको गणेश जी सलाह देते हैं कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यशो में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा कत्थई और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों यशो में आपकी चिंता का मुख्य कारण आर्थिक मामला रहेगा। भविष्य को सुरक्षित करने की योजना के पीछे यशो में अपनी समग्र शक्ति आप लगा देंगे। दोस्तों यश में आप अपने लक्ष्यांक के विषय में अत्यंत दृढ़ तथा स्पष्ट होने के कारण से इस संबंध में जो है योग्य निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों आपके व्यक्तित्व पर आपकी व्यवहारिक दक्षता निश्चित रूप से यश में छा जाएंगी, इसे गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो बधाइयाँ हैं। दोस्तों यश में वित्तीय पुरस्कार के कार्य के मोर्चे पर आपका जो है यश में इंतजार कर रहा है। यश में आपको कोई पुरस्कार भी वित्त को लेकर मिल सकता है। हालांकि दोस्तों यह पुरस्कार जो है प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देगा, पर इससे आपके वर्क रिकॉर्ड में कुछ उपलब्धियां जरूर जुड़ जाएंगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में जो है इज्जत के योग्य होंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने साथी को देखभाल करें। गणेश जी का सलाह है कि अपने प्रेमी जीवन को रोचक बनाने के लिए जो है ये शाम है। दोस्तों इन दिनों में अपने प्रेमी के जीवन को रोचक बनाने के लिए शाम को अपनी प्रेमिका के साथ कुछ रोमांचक उपहारों को एक्सचेंज करें। एक रोमांचक रात भाग्य में होगी, दोस्तों ऐसा गणेश जी का मानना है। वहीं दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आपको नकदी की कमी से यश में जूझना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपने जिस पैसे की आवक के विषय में सोचा था उसे आने में देर हो सकती है, जिसके चलते जो है आपके कुछ भुगतान रुक सकते हैं। इसे यश में आप पूरा करने के लिए जो है प्रयत्नशील रहेंगे, क्योंकि ये जो रुकावटें हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको किसी स्थान पर क्षमा याचना भी करनी पड़े। वही दोस्तों इन दिनों में आप जो भी करना चाहते हैं उसे लेकर जो है एकाग्रित रहेंगे। ये जो दिन है आपको मूर्त और अमूर्त दोनों तरीके से पुरस्कृत करेगा। अब आपको जो है कम बेचैनी, अधिक खुशी और उपलब्धि की भावना रहेगी आपके अंदर। स्वास्थ्य के लिए आपके जो समय है कोई समस्या नहीं है। दोस्तों सेहत के नज़रिए से यह वक्त थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें। दोस्तों बीते दिनों में जितना धन आपने बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था अपने समय को, तो दोस्तों ये जो समय है उसका आप फायदा मिल सकता है। पारिवारिक स्थिति जो है वैसा नहीं रहेगा जैसा आप सोचते थे। दोस्तों ये जो समय है घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना भी बनेगी। दोस्तों ऐसी स्थिति में खुद पर आप काबू रखें, जरा संभल कर, क्योंकि दोस्तों आपका जो पीढ़ी है यश में रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। वहीं दोस्तों ये जो समय है आप एक टीम का नेतृत्व करने के लिए मजबूत स्थिति में होंगे और लक्ष्य को पाने के लिए जो है मिलकर काम करेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए ये जो दिन है बहुत ही अच्छा रहेगा। इन दिनों में आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों ये जो समय है वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आपके जो प्रयास है आपकी उम्मीदों से ज़्यादा रंग लाएंगे। दोस्तों यश में आप इमली के पेड़ को जल से सींचने से जो है आपका स्वास्थ्य जो है यश में अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यश में आपके सरल उपाय की अगर बात करें तो समय समय पर माता महालक्ष्मी के मंदिर में आपको झाड़ू का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे। और माता लक्ष्मी के मंदिर में सुगंधित अगरबत्ती का भी आप दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को जो है माँ लक्ष्मी की अपार खुशियों की प्राप्ति होती है, अपार कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों जरूर ये उपाय को आप यश में करें। इनसे दोस्तों आपके सभी कार्यों को जो है सफलतापूर्वक संपन्न होते आप देख पाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर यश में रहने वाली है। तो दोस्तों हो सके तो इन उपायों को करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथ ही दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।